मॉर्निंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट साइंस क्लास फर्स्ट चैप्टर फोर. यस स्टूडेंट्स, ऑलरेडी आई हैव गिवन यू द क्वेश्चन आंसर्स एंड मेनी मोर थिंग्स ऑफ चैप्टर फोर. यस टुडे जस्ट वी आर गोइंग टू डू सम फन थिंग्स. ओके, सो लेट अस सी द क्वेश्चन सी जस्ट फॉर फन. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स इन द गिवन बॉक्सेस, देन रीड द एनसर्कल्ड लेटर्स डाउनवर्ड्स टू गेट द नेम ऑफ अ बर्ड दैट कैन कॉपी योर वॉइस. आपसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेटा आपको कुछ बॉक्सेस, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉक्सेस दिए गए. इन बॉक्सेस में कुछ नाम आएंगे जानवरों के, वो आपको कैसे करने हैं आप देख सकते हो. यहाँ पे आपको पिक्चर्स दी गई हैं 1, 2, 3, 4 के नाम. तो उन वन पिक्चर्स को पहचानते हुए आपको क्या करना है, यहाँ पे उनके नाम लिखने हैं. नंबर वन का जो नाम आएगा उस जानवर का, सेकेंड, ठीक है. ये सारे नाम लिखने के बाद जो यहाँ पे आपको सर्कल दिखाई दे रहे होंगे, इन सर्कल से आपको एक पक्षी का नाम आएगा जो कि आपकी आवाज़ कॉपी कर सकता है, ठीक है. चलो देखते हैं कि कौन सा जानवर पक्षी है ऐसा. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. सो आवर फर्स्ट पिक्चर इज ऑफ अ ऑक्टोपस. ओ सी टी ओ पी यू एस. ओके, नाउ सेकेंड पिक्चर, कैमल. सी ए एम ई एल, कैमल. ओके, इन सेम वे थर्ड पिक्चर, हॉर्स. हैच ओ आर एस ई, हॉर्स. नेक्स्ट फोर्थ पिक्चर, फ्रॉग. एफ आर ओ जी. ओके, नेक्स्ट फिफ्थ पिक्चर इज ऑफ अ क्रोकोडाइल. सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई, क्रोकोडाइल. नेक्स्ट सिक्स पिक्चर इज ऑफ अ बटरफ्लाई. बी यू डबल टी ई आर एफ एल वाई. अब आप चलो अब हम देखते हैं जो सर्कल यहाँ पे दिया गया है उससे कौन सा पक्षी बन रहा है. पी ए डबल आर ओ टी, पैरेट, तोता है जो हमारी वॉइस कॉपी कर सकता है. ओके, नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. नाउ यर स्टूडेंट्स, यू कैन सी इन क्वेश्चन डी, कलर एंड नेम द फॉलोइंग पिक्चर्स. आप यहाँ पे देख सकते हो बेटा, दो पिक्चर्स दी गई है. आपको क्या करना है, इन जानवरों को पहचानना है और इनको पहचान कर यहाँ पे नाम लिखने हैं, फिर इनको कलर करना है. नाम मैं आपको बताती हूँ, कलर आप खुद अपने आप करोगे, ठीक है. सो दिस इज द फ्रॉग, नेम ऑफ अ, द नेम ऑफ दिस एनिमल इज अ फ्रॉग. एफ आर ओ जी, फ्रॉग. ओके, नेक्स्ट सेकेंड पिक्चर इज ऑफ अ क्रोकोडाइल. सी आर ओ सी ओ डी आई एल ई, क्रोकोडाइल. ओके, अब आपको क्या करना है बेटा, इनको कलर करना है, ठीक है, रंग भरने हैं इन दोनों. सो आई होप यू विल डू बाय योर सेल्फ. नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन. यस स्टूडेंट्स, नाउ यू कैन सी इन क्वेश्चन ई, कलेक्ट. क्वेश्चन ई, कलेक्ट एंड पेस्ट पिक्चर्स ऑफ अ वाइल्ड एनिमल, अ डोमेस्टिक एनिमल, अ बर्ड एंड ए इंसेक्ट ईच इन द गिवन बॉक्सेस. देखो बेटा, यहाँ पे आप देख सकते हो आपको चार बॉक्सेस दी गई है, 1, 2, 3, 4. इन बॉक्सेस को देखते हुए आपको क्या करना है, एक वाइल्ड एनिमल यानी एक जंगली जानवर का, एक डोमेस्टिक एनिमल यानी पालतू जानवर का, ए बर्ड एक पक्षी का, एन इंसेक्ट एक कीट का पिक्चर्स को आपको क्या करना है, इनमें पेस्ट करना है, ठीक है. चलो हम पहले लेते हैं वाइल्ड एनिमल. यहाँ पे पहले वाइल्ड एनिमल दिया गया है तो हम वाइल्ड एनिमल लेते हैं. सो लेट अस स्टार्ट पेस्टिंग. ओके, अब आप देख सकते हो बेटा, यहाँ पे हमने वाइल्ड एनिमल पेस्ट कर दिया, ठीक है, ये पेस्ट कर दिया हमने. नेक्स्ट डोमेस्टिक एनिमल, वी आर गोइंग टू पेस्ट हियर डोमेस्टिक एनिमल. सो आई हैव पेस्टेड द डोमेस्टिक एनिमल ऑल्सो. ओके, नाउ यू कैन सी, अब बर्ड के लिए कहा गया था तो हमने बर्ड पेस्ट कर दिया. कौन सा बर्ड है ये पैरेट है. ओके, नाउ एट लास्ट वी आर गोइंग टू टेक अ इंसेक्ट, बेड बग. कौन सा इंसेक्ट है ये, बेड बग, जिसे हम हिंदी में कटमल कहते हैं, ठीक है बच्चों. सो अब हम नाम लिख देते हैं इनके आग में. लायन, ये एक वाइल्ड एनिमल है. नेक्स्ट काउ, इट इज अ डोमेस्टिक एनिमल. नेक्स्ट पैरेट, बर्ड. नेक्स्ट इज अ बेड बग,
an insect. Okay, in this way you have to paste the pictures into your notebook. अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं है तो आप ये वर्क अपनी नोटबुक में भी कर सकते हो. ठीक है बच्चों, सो हैव ए नाइस डे एंड एन्जॉय योर स्टडीज़.